नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्रज्वलम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं मेरा नाम संजीव कुमार श्रीवास्तव है और मैं आप लोगों को EVS माने पर्यावरण पढ़ाने जा रहा हूं। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसको मुख्य अधिनियम जो कि पर्यावरण से संबंधित है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला अधिनियम जो हम लोगों को पढ़ना है अंग्रेजों के ज़माने का, 1927 में बना अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय वन अधिनियम। क्या कहते हैं? भारतीय वन अधिनियम। ये भारतीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम में 1927 में बना था। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इस पर चर्चा कर लें। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक घास जो दुनिया की सबसे लंबी घास मानी जाती है जिसको हम लोग बांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस बांस के घास को 1927 के भारतीय वन अधिनियम में वृक्ष की तरह सम्मिलित किया गया है। कैसे? वृक्ष की भांति। हालांकि ये जैविक रूप से क्या है? ये जैविक रूप से घास है। जैविक रूप से क्या है? ये घास है, परंतु इस अधिनियम में इसको वृक्ष की तरह लिस्ट किया गया है, अतः इसको काटने में दिक्कत हो जाएगी। और इसके बारे में अगर समझना चाहें कि ये अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2019 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा कि हम किसानों के आय दूना कर देंगे। कब तक आय दूना करेंगे? तो 2022 तक, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पूरे भारत को अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको मैदानी क्षेत्र तो मिलेंगे, परंतु पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप देखिए तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से खेती करी जाती है वो किसकी? बांस की करते हैं, असम को छोड़ के। असम में धान वान कुछ पैदा हो जाते हैं, परंतु अन्य में क्या होते हैं? मुख्य रूप से बांस हैं। अब सुनिएगा जरा, अगर इनके आय को दूना करना है तो बांस को कैसे करना पड़ेगा? अगर ये वृक्ष होंगे तो काट तो सकते नहीं हैं। ऐसे में एक संशोधन कर दिया गया 1927 के अधिनियम में और कहा गया कि ये जो बांस हैं ये अब बांस दो प्रकार के होंगे। एक वो वाले बांस होंगे जो वन क्षेत्र में हैं और एक वो वाले बांस होंगे जो गैर वन क्षेत्र में हैं। बात समझ रहे हैं? अगर वन क्षेत्र में हैं तो इन्होंने कहा कि तस्करी ना बढ़े इसलिए इसको अभी भी वृक्ष रखा जाएगा, और जो गैर वन क्षेत्र में हैं इसको कहा कि अब घास कह देंगे। तो घास है तो काटी जा सकती है, लोग अपने खेतों में उगा सकते हैं। इस वजह से यह अधिनियम 1927 का, जिसको भारतीय वन अधिनियम कहते हैं, जिसमें घास वृक्ष के रूप में सम्मिलित की गई है, उसको अब क्या किया गया है? वन क्षेत्र को वृक्ष में, गैर वन क्षेत्र को घास में कर दिया गया, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। तो ये सबको याद रखना है। दूसरा जो अधिनियम हम लोगों को पढ़ना है ये 1972 का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या कहते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। बात को समझते हैं, जो वन्य शब्द है ना, इसका मतलब होता है जंगली, माने जो पालतू नहीं है वो वन्य है, जीव है। इस जीव को समझना जरूरी है। इस जीव में हम लोग तीनों चीजों को सम्मिलित करते हैं। पहली जो चीज है वो जंतु है, माने एनिमल्स हैं। दूसरी चीज है उसको वनस्पति कहते हैं, और तीसरी चीज पक्षी। तो याद रखना है कि वन्य जीव समझ के केवल जंतु को ही ना सम्मिलित करें, किसे सम्मिलित करना है साथ में? वनस्पति और पक्षी को सम्मिलित करना है। सम्मिलित इसलिए करना है, वो आगे लिखा गया है, संरक्षण करने के लिए। अब समझिएगा, इसके अध्ययन को या संरक्षण को भली भांति से किया जा सके इसके लिए 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियां बनाई गई हैं। कितनी अनुसूची हैं? याद रखना संख्या, 6 अनुसूचियां यहां पर हैं। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, 4, 5 और 6। इसमें से सारे महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसमें से कुछ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो पहली अनुसूची है और दूसरी अनुसूची है, इसके जो जीव जंतु होंगे, इसमें जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जिसकी लिस्टिंग इन दोनों अनुसूचियों में करी गई होगी,
उनको अगर कोई शिकार करता है, तस्करी करता है, गैर कानूनी तरीके से उनको मारता है या उनका स्मगलिंग करता है, तो उन पे दंड दिया जाएगा और दंड अधिक हुआ होगा इनका, इस पे जो दंड देंगे वो ज़्यादा दिया जाएगा। आपको अनुसूची एक सलमान खान से जोड़ लीजिए, उन्होंने किसको मारा था, काला हिरण को, तो काला हिरण माने ब्लैक बक, वो किस में है, अनुसूची एक में है। इसी प्रकार से मगरमच्छ, टाइगर, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको कहां पर रखा गया है, अनुसूची एक में रखा गया है। अनुसूची तीन और चार में भी जीव और जंतुओं को रखा गया है, परंतु इसमें मारने वारने पर क्या है, थोड़ा दंड कम है। इसमें जो दंड दिया जाता है, अब कौन सा डंडा वाला नहीं है, आर्थिक दंड जो है वो इसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या कारावास होगा तो इसमें बहुत कम होगा, इसमें कारावास है, सलमान खान को भी रोटी खाना पड़ा वहां, तो तीन चार में दंड कम है परंतु दंड है। पांचवा और छठवां जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि पांचवा जो अनुसूची है इसमें वर्मिन को रखा गया है। वर्मिन माने क्या, वर्मिन माने ऐसे जीव जो मनुष्यों को नुकसान करती हों, मानव जीवन को किसी भी तरीके से हार्म करती हों। जैसे हम लोग चूहे से बहुत परेशान हैं शहरों में, गांव में नीलगाय से बहुत परेशान है, और कुछ जगहों पर बंदरों से बहुत परेशान है। तो ऐसे जीव जिनको सरकार मार देने का ऑर्डर दे देती है, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि भैया उसको वर्मिन घोषित कर देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जंगली सुअर या बड़ेला कहते हैं गांव में, वो भी इसी में सम्मिलित है। तो यहां से जो प्रश्न बनना है भैया वो ये कि सबसे पहले कौन सा जीव था जिसको वर्मिन घोषित किया गया। तो याद रखिएगा कर्नाटका में बंदर को, बंदर सबसे पहले किस में घोषित हुआ है, वर्मिन में। इसको मिटाए देता हूं मैं। अब देखना जो छठी अनुसूची है, हमने अभी एक से लेकर पांच तक किसकी बात करी, जंतुओं की, वो चाहे जिस प्रकार के हो जंतुओं की बात करी। अब एक ही चीज वहां पर बची रह गई है जिसका नाम है वनस्पति। तो वनस्पति है, वनस्पतियों को कहां पर संरक्षण दिया जाएगा, अनुसूची छह में। जैसे हम लोगों ने सुना है चंदन की तस्करी रोकना है, या एक रेड सैंडर होता है उसकी तस्करी को रोकना है, या अन्य प्रकार के बहुत से वनस्पतियां हैं, जैसे एक वनस्पति जिसको अहिफेन, अफीम कहते हैं, तो उनके भी तो स्मगलिंग को रोकना है। तो वनस्पतियों के संरक्षण के लिए जो अनुसूची कार्य करती है या जो लिस्टिंग है उसको कहां पर रखा गया, छठी अनुसूची में। तो हम दो अधिनियम अभी तक पढ़ चुके हैं, एक अधिनियम 1927 का और दूसरा किसका, 1972 का। एक अधिनियम है 1974 का जिसको हम लोग जल संरक्षण अधिनियम बोलते हैं, ठीक है ना। 1974 में क्या आ गया, वाटर कंजर्वेशन, मतलब जल संरक्षण अधिनियम, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1980 में, उस 1981 में, अभी आपने 1927 के लिए क्या पढ़ा है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। तो भारतीय इसलिए क्योंकि उस टाइम हम गुलाम थे, तो हमने 1980 में फिर से बनाया और कहा अब हम वन संरक्षण अधिनियम बनाएंगे, वन संरक्षण अधिनियम बना लेंगे। फिर 1991 में अब देखो जल हो गया, वन हो गया, तो अब एक चीज और बचा जिसको हम लोग वायु संरक्षण अधिनियम बोलेंगे भैया। अब ये सारे कार्यक्रम तो हो गए, कहा गया बहुत सारे अधिनियम बन गए, इन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आते हैं, छाते के नीचे। तो 1986 में क्या होगा, पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बात समझ गए। एक अधिनियम महत्वपूर्ण और जो हमको याद करना है 2002 का, क्या कहते हैं उसको, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, या जैव विविधता विविधता संरक्षण अधिनियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है जो आपको बिल्कुल याद रखना है, और यहां से संबंधित प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उधर बैठे हैं जो।